हाय दोस्तों, हर हर गंगे, आप सबका हार्दिक स्वागत है रमेश कुमार वी ब्लॉग्स में। अभी हम निर्मल धारा की पावन दर्शन कर रहे हैं और आज आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहा था कि हम स्नान कहाँ पे करें, ज़्यादा हमें चलना भी ना पड़े और वहाँ पे मौसम क्या है, होटल धर्मशाला अभी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट होटल धर्मशाला फुल हो चुका है। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है और कहाँ पे हम स्नान करें, जल की गति कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है और कहाँ पे स्नान करना सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। आज हम मालवीय चौक से स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यात्रा और यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और इस ओर जल की जो गति है काफ़ी तेज होती है। ये वाली जल हर की पेड़ी में प्रवेश नहीं करती, आप देख रहे हैं ऐसे जल की जो गति है अब बढ़ चुका है और पारा से भी बढ़ चुकी है। और अभी हम आपको हर की पेड़ी के दृश्य दिखाएंगे, वहाँ पे आपको जल की गति काफ़ी धीमी दिखाई देगी और स्नान भी आप आसानी से कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। सबसे ज़्यादा रिस्क अगर स्नान करने में जो होता है वो हमने अभी दिखाया वहाँ पर होता है और भी कुछ दृश्य दिखाएंगे। हर की पैड़ी में आ चुके हैं हम। हर की पैड़ी में भीड़ आप देख रहे हैं काफ़ी कम है, पहले जैसे भीड़ नहीं है अभी, क्योंकि काफ़ी लोग आए थे और काफ़ी लोग चले भी गए स्नान करके। और अभी वीकेंड एंड जैसे होने वाला होगा भीड़ फिर से बढ़ जाएगी और अभी रास्ता वगैरह कुछ बंद नहीं है। अगर आप आ रहे हैं तो हर की पैड़ी डायरेक्ट ई रिक्शा या फिर पैरा रिक्शा से आ सकते हैं, 20 रुपये पर पर्सन आपको देने होंगे अगर आप ई रिक्शा से आते हैं या फिर पैरा रिक्शा से आते हैं। पैडल रिक्शा वाले तो आपको छोड़ ही देंगे, लेकिन ई रिक्शा वाले आपको बात करनी होगी, आप हर की पैड़ी छोड़ेंगे या फिर ऋषिकेश बाईपास वाले मार्ग में। अधिकतर रिक्शा वाले क्या करते हैं, ऋषिकेश बाईपास वाले मार्ग में ही ड्रॉप कर देते हैं, तो आपको वहां से चलना पड़ेगा। वो जब भीड़ होती तब के लिए बेस्ट है, जब भीड़ नहीं है तो आपको यहीं पर आना होगा, जो सबसे ज़्यादा आपको सुविधा होगा, चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आप कोशिश कीजिएगा जब भी होटल या धर्मशाला लेते हैं तो आप हर की पैड़ी के पास लें, क्योंकि क्या है हर की पैड़ी के पास आपको चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे भीड़ हो या फिर ना हो। और शाम के शाम आरती के टाइम आप 1 घंटे पहले आके बैठ जाएं, जिससे क्या है आपको आरती के दर्शन करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि आरती के समय शाम के टाइम खास तौर पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। जो आपको घाट अभी दिखाई दे रहा है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, जहाँ पे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, यहाँ पे भीड़ हो जाती है, दूर दूर तक लोग बैठते हैं, तो आरती के समय 1 घंटे पहले आ जाए। आरती का टाइम अभी शाम के टाइम का है, 6:40 का टाइम है, तो आप ज़रूर आएँ और माँ गंगा की आरती का दिव्य दर्शन करें। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये वाली जल हर की पैड़ी में प्रवेश नहीं करती, जल की गति काफ़ी तेज है और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। हम अभी चलेंगे हर की पैड़ी की जो मेन दृश्य है वो आपको दिखाएंगे, ये है ब्रिज और इधर से हम आएंगे। इधर से आने के लिए हमें चप्पल जूता बाहर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ता, इधर हम स्नान कर सकते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप माँ गंगा में स्नान करते हैं तो सफाई का ध्यान रखें, पॉलीथीन या फिर कोई भी ऐसी चीज़ गंगा में ना बहाए जिससे गंगा प्रदूषित हो। अभी आप दृश्य देख रहे हैं अपर रोड मार्केट का और अपर रोड मार्केट में मार्केट सुबह ही सज जाता है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं ये 8:30 बजे का दृश्य है। काफ़ी सारे श्रद्धालु पैदल चलना पसंद करते हैं, पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए रास्ता बंद नहीं होता, रास्ता बंद होता है तो बैटरी रिक्शे और जो आप देख रहे हैं बड़ा रिक्शे उनके लिए
होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिक्शे थे उनको यहाँ से हटवाया जा रहा है, तो ये परेशानी होती है रिक्शे वालों को, इसी कारण वो यहाँ पे नहीं आते। ये 9 बजे के बाद थोड़ी सी रास्ता बंद करने का प्रोसेस चालू हो जाता है, अगर भीड़ ज़्यादा हो तो फिर ये जो रिक्शा आपको दिखाई दे रहा है ये रिक्शा यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, हटा दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये परेशानी होती है भीड़ ज़्यादा होने से। अभी भीड़ नहीं हो रही है तो सारे लोग आ रहे हैं और आपको ड्रॉप करेंगे हल्की पैड़ी के पास। पैसा तो आपको बता ही दिया हमें, 20 रुपये पर पर्सन आपको किराया लगेगा। ये हरकी पैड़ी के पास होटल है, होटल जितने भी रहेंगे काफ़ी महंगे दाम में होते हैं आसपास। और अगर धर्मशाला में आप स्टे करना चाहेंगे तो आपको अच्छी सुविधा और अच्छे सर्विस भी मिल जाएंगे जो आपको होटल में मिलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी महंगे प्राइस बताए गए हैं और ऐसे पूरे ये हम आ चुके हैं सी चौक के पास और यहाँ से गुजराई धर्मशाला के लिए मार्ग जाता है, गुजराई धर्मशाला की ओर ये मार्ग जा रहा है। और ये हम आए हैं इधर से, ये बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन इधर से, हम अभी जाएंगे इस तरफ, ये हर के पेड़ जाता है ये वाली मार्ग। माँ मनसा देवी की पावन दर्शन हमारे चरण में होने वाले हैं, जो कि आपको मैं कल भी कहा था लेकिन नहीं हो पाया कुछ कारण। ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक्टिवा भी ऊपर माँ मनसा देवी तक आपको ड्रॉप करते हैं। 100 रुपये पर पर्सन का किराया आप चलेंगे और रोपे का किराया है 145 रुपये पर पर्सन। तो आपको 45 रुपये की जो पैसे बच सकता है, लेकिन आप रिस्क थोड़ा ज़्यादा है इसमें ऊपर जाने से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टर्निंग है और टर्निंग की वजह से थोड़ा से आपको परेशानी भी हो सकती है। जिनको रोपे में बैठने से थोड़ा डर लगता है वो इसमें जा सकते हैं। ऐसे आपको पूरा डिटेल से वीडियो आपको मिलने वाली है हमारी इसी चैनल में, तो आप पूरा डिटेल देखिएगा। इसमें हम शॉर्ट ही डाल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा अगर हम अपडेट इसमें दें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। प्राइस लिस्ट आप देख सकते हैं इसमें, अगर हम आज टिकट लेते हैं तो कितने दिन तक वैलिड है, कोई कारणवश आज हम यात्रा नहीं कर पाए तो क्या वो टिकट मान्य हो गया कि नहीं हो गया, इसकी सारी जानकारी आपको हमारे जो वीडियो आने वाली है उसमें आपको मिलने वाला। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, हर गंगे।